ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं श्रेया श्रीवास्तव। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में सेकंड ईयर वालों के लिए चल रही थी और उस सीरीज में हम पार्ट 14 जा रहे हैं आज सॉल्व करने। ठीक, इसके पहले की क्लासेस आपको देखनी है, 13 तक कम्प्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़े आराम से। पहला क्वेश्चन 196 क्या कह रहा है, Which amplifier is first matches the output impedance, matches the output impedance of the carrier oscillator with the input impedance? ऐसा कौन सा amplifier है, amplifier ऐसा कौन सा amplifier है जो क्या कर रहा है, match the output impedance, output impedance को match कर रहा है किससे, करियर ऑक्सीलेटर के इनपुट इम्पीडेंस से। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर हम एक करके समझेंगे। ठीक, पावर एम्पलीफायर का काम क्या होता है, पावर को एम्पलीफाई करना, जो भी सिग्नल में हमारे पावर है उसके पावर को एम्पलीफाई करना। ऑडियो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, ऑडियो को एम्पलीफाई करना। और वीडियो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, वीडियो एम्पलीफाई करना। ठीक है, और अब देखिए बफर एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर किस लिए यूज होता है, तो सीधा सीधा याद रखिए किसके लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। ओके, ठीक है, तो हमारा जो बफर एम्पलीफायर होता है किसके लिए यूज होता है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। अब थोड़ा सा यहां भी देख लेते हैं, इस डायग्राम में हमने बफर एम्पलीफायर का यूज किया हुआ था और ये डायग्राम हमने कई बार को पढ़ा दिया, अभी तक आराम से याद हो गया होगा। तो एफएम ट्रांसमीटर का ये डायग्राम है, अब इसमें बफर एम्पलीफायर कहाँ यूज हुआ है, तो बफर एम्पलीफायर ये रहा हमारा यूज, और इसका यहाँ पे काम क्या कर रहा है, जो भी हमारा यहाँ का इनपुट इम्पीडेंस और यहाँ का आउटपुट इम्पीडेंस है उनको मैच कराने का काम कर रहा है। ठीक, ताकि इसमें मिसमैचिंग की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग कर रहा है। ऐसे ही आपको ब्लॉक दिखेंगे कई और रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर में, जिसमें आपको ऑडियो एम्पलीफायर लिखा हुआ एक ब्लॉक में दिखेगा, किसी किसी में वीडियो एम्पलीफायर लिखा हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पावर आउटपुट एम्पलीफायर, इसमें लास्ट में क्या कर रहा है, पावर को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ब्लॉक यहाँ लिखा हुआ है। अब वैसे ही ऑडियो एम्पलीफायर के रिसीवर वाले में हमने मैक्सिमम देखेंगे ऑडियो एम्पलीफायर, तब उसके बाद रिसीवर गया होगा, ठीक है, स्पीकर पर गया होगा। आपको इससे समझ में आ जा रहा है कि इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, इम्पीडेंस मैचिंग का है। पावर एम्पलीफायर का काम क्या है, पावर एम्पलीफाई करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बट इसको थोड़ा देख लेते हैं फिर। कौन सा एम्पलीफायर पहले इनपुट प्रतिबाधा के साथ वाहक ऑक्सीलेटर के उत्पादन प्रतिबाधा से मेल खाता है, जो कि हमने अभी बोला कि इसके आउटपुट और इसके इनपुट, इसके आउटपुट और इसके इनपुट के इम्पीडेंस को ये मैच करने का कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसका, 196 का। बफर एम्पलीफायर क्या काम करता है, इम्पीडेंस मैचिंग का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और स्पीड भी स्लो होगी हमारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, Which type of antenna is used for point to point communication of radio wave? ठीक, point to point communication के लिए कौन सा antenna उपयोग होता है, उसके पहले थोड़ा हम यहाँ जान लेते हैं, रेडियो तरंगों के point to point संचार के लिए किस प्रकार की antenna का उपयोग किया जाता है। हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं कि पूछ क्या रहा है, तो कौन से antenna का उपयोग कर रहे हैं हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए। अब हम थोड़ा एंटीना भी देख लेते हैं, ये देखो ये जो हमारा पैटर्न है इसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न, हर एंटीना का एक पैटर्न होता है। तो ये हमारा डायपोल टाइप के एंटीना का पैटर्न है, जो कि क्या डायरेक्शनल एंटीना का दिखा रहा है। अब देखिए डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा जो रेडिएशन वेव होता है वो रिसीव करता है, ट्रांसमिट
करता है। ये आपको दिख रहा है, ये एक पैटर्न बना रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये एक पैटर्न बना रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि ये एक डायरेक्शन में ही कार्य कर रहा है, ठीक है, दिखा रहा है आपको कि ये एक डायरेक्शन में ही कार्य कर रहा है। तो ये कौन सा है हमारा, डायरेक्शनल एंटीना। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ओमनी डायरेक्शनल। अब ओमनी डायरेक्शनल का बारे में आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया था, और ओमनी से मतलब ही होता है सर्व, सर्व से मतलब होता है सब, सर्व या सभी, ठीक। ओमनी जहां आ जाएगा वहां पे आपको मतलब ही निकलेगा, जैसे ओमनी वोरस, ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ओमनी साइंट ये भी पढ़ाया था आपको। तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना की बात करेंगे तो ये चारों दिशाओं में समान टाइप का रेडियो वेव रिसीव करता है या ट्रांसमिट करता है। तो ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है, और इसका जो हमारा क्या डायरेक्शनल रेडिएशन का जो पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, ये हमारा रेडिएशन वाला पैटर्न है, ठीक है। तो जो भी हमारा ओमनी डायरेक्शनल में रेडिएशन पैटर्न होता है वो चारों दिशाओं में बिल्कुल समान होता है, ठीक है। तो आपको ये ओमनी डायरेक्शनल समझ में आ गया होगा और डायरेक्शनल एंटीना समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार हमारा पैराबोलिक होता है, तो पैराबोलिक एंटीना आपको ये कुछ देखने में डिश टाइप का लग रहा होगा, डिश एंटीना आपके घरों में लगे होंगे, ये डिश एंटीना। ये क्या करता है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से वेव लेता है, मतलब सिग्नल लेता है और ट्रांसमिट या रिसीव करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पैराबोलिक एंटीना। अब ये हमारे जैसे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक कंप्यूटर से या फिर एक प्लेस से, एक टेलीविजन से दूसरी जगह टेलीविजन के लिए ये यूज होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए हमारा किसका यूज होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए हमारा यूज होता है पैराबोलिक एंटीना। और भी एंटीना हम अभी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपने देखा ही होगा यागी उड़ा एंटीना, ठीक है। ये इसे आप बहुत अच्छे तरीके से भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि ये हम हमारे पहले भी यूज हो चुके हैं। तो यागी उड़ा एंटीना में देखिए यहाँ पे ये ड्राइवन एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा, ड्राइवन एलिमेंट। और हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ये कहलाता है रिफ्लेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को रिफ्लेक्टर। दो रिफ्लेक्टर लगे हैं, ड्राइवन एलिमेंट के पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता है और ड्राइवन एलिमेंट के आगे हमारा डायरेक्टर लगा होता है, ठीक। अब ऐसे याद कैसे करेंगे कि इस वाले पार्ट, अब ऐसे ये फिगर दे देगा, ठीक है, बोलेगा यहाँ पे एक्स लिख देगा, बताओ ये कौन सा पार्ट है, तो आपको फिगर याद होना चाहिए। तो ये हमारा मल्टीपल डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर को याद कैसे करेंगे, डायरेक्टर से आपको क्या लग रहा है, डायरेक्ट कर रहा है किसी चीज को, ठीक है, बता रहा है कि कैसे जाना है, किधर जाना है, ठीक। जो मूवी बनाते हैं वो डायरेक्टर बनाते हैं, वही तो सब कुछ बताते हैं कि कैसे मूवी हमारी बननी है। तो रेडिएशन किस डायरेक्शन में होगा वो हमारा डायरेक्टर संभालता है, ओके। और जो हमारा ड्राइवर एलिमेंट है इसको हम पावर सॉकेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टर आगे रहता है और ड्राइवर एलिमेंट के पीछे क्या रहता है, रिफ्लेक्टर। अब रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, रिफ्लेक्टर हमारा जो भी नॉइस या फिर जो भी अनवांटेड सिग्नल होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। तो ये हो गया आपका यागी उड़ा एंटीना। अब यागी उड़ा एंटीना का हम पैटर्न देख लेते हैं, कौन सा पैटर्न है, फिर से अभी हमने नाम लिया था रेडिएशन पैटर्न, ओके, रेडिएशन पैटर्न। अब देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, ये जो लूप बना हुआ है ये कुछ इस टाइप का है, ये दिखा रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ मेन बीम, जब मतलब जो जिस डायरेक्शन हमारी डाटा जानी है वो हमारा ये है, ठीक। बाकी जो ये छोटे छोटे लूप दिख रहे हैं ये अपने पास से भटके हुए लूप है, यानी कि इसमें डिस्टॉर्शन की बात दिखा रहा है। तो ये रहा हमारा यागी उड़ा एंटीना का पैटर्न,
रेडिएशन पैटर्न, ठीक है। और ये हमारा डायरेक्शनल यागी उड़ा एंटीना का पैटर्न, देखो इसी टाइप का है, बस और थोड़ा सा डिग्री में दिखा दिया है इसको। सेम यही बन रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा सिग्नल ट्रांसमिट रिसीव हो रही है। तो ये यागी उड़ा एंटीना के बारे में यहाँ पे हमने जान लिया, यहाँ पे हमने जान लिया पैराबोलिक एंटीना के बारे में कि पॉइंट टू पॉइंट, ये हमारा बहुत ही लो लेवल पे यूज होता है, बहुत पहले हमारे टीवी टेलीविजन वगैरह के लिए हमारा यूज होता था, तो इसकी लो रेंज होती है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होता है, इस वजह से हमारा पैराबोलिक यूज होता है। अब पैराबोलिक, अब तो ओमनी डायरेक्शन आ गया है, बट हमें सबके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने टाइप के हमारे एंटीना हो रहे हैं, किसका क्या काम है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, फिर से हम पढ़ते हैं एक बार, रेडियो तरंगों के पॉइंट टू पॉइंट। अब याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट के लिए हमने आपको अभी जस्ट बताया कि पैराबोलिक एंटीना का उपयोग होता है, संचार के माध्यम के लिए किस प्रकार के एंटीना का उपयोग होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज होता है, पैराबोलिक एंटीना का यूज होता है, ठीक है। 197 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हमने डायरेक्शनल भी समझा दिया, यागी उड़ा एंटीना भी समझा दिया, ठीक है, यागी एंटीना भी समझा दिया और डाइपोल एंटीना भी समझा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको आराम से। Why the modulation index is kept within limits in amplitude modulated signal transmitter? Transmission में amplitude modulation signal के क्यों modulation index हम limit में रखते हैं? कल की class में, पिछली class में हमने पढ़ा था क्यों हम इसको रखते हैं। एक तो होता है हमारा 50%, एक होता है हमारा 100% और एक होता है हमारा मोर देन 100%, या आप कह सकते हो 0.5 मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसका होगा 0.5 मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 और मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज मोर देन 1। तो ये तीन चीज हमने कल डिस्कस की थी बहुत अच्छे तरीके से, और ये हमने बताया भी था आपको कि जब ये वाली कंडीशन आती तो हम क्या कहते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन हो जाता है, तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, हमारी सिग्नल ज्यादा खराब होगी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे सिग्नल में विरूपण हो, हमारा सिग्नल खराब हो, कोई भी इंसान चाहेगा कि अगर हमारे पास जो चीज है वो खराब हो, नहीं चाहेगा। तो उसी तरह से हमारा यहाँ जो सिग्नल है वो खराब हो रही है ना, डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है, विरूपण को कम करेंगे, ठीक। फिर से पढ़ते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को आयाम मॉड्यूलेटेड सिग्नल में सीमा के भीतर क्यों रखा जाता है, सीमा के भीतर किस इसलिए रखा जाता है ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, यानी डिस्टॉर्शन घटाने के लिए सीमा के बीच में रखा जाता है। हम एक बार फिर से आपको बाई डायग्राम समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 है, अब 0.5 है, और हमने ये भी बताया एफएम का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो हमेशा 0.5 से छोटा होता है, ये भी कल बताया था हमने, तो ये रिकॉल करने के लिए ताकि आपको याद रहे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इंडेक्स ऑफ 0.5 में देख रहे हो आप, ये जो इसकी एरिया बना हुआ है बाहर से, ठीक, तो इसमें हमारा जो सिग्नल है बिल्कुल सुरक्षित मामले में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है एक सिग्नल का दूसरे सिग्नल में, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट पहुंच रही है। ये हमारा 50% वाला है, 1 वाला भी था, बट हमने फिलहाल इसको यहाँ रखा क्योंकि हमें समझाना ये है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है। तो मोर देन 1 होने पे क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन। कल भी हमने बताया था और आज भी हम बता रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है, ओवर मॉड्यूलेशन। अब देखो ओवर मॉड्यूलेशन में ये वाली सिग्नल को पार करके और ये वाली सिग्नल पार करके क्या इसमें इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है, दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, हमारी सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रही है, यानी सिग्नल का विरूपण हो रहा है, वो यूज नहीं हो पा रही है, गलत सिग्नल जा रही है, तो इसी को कम करने के लिए हम इसको रेंज में रखते हैं या लिमिट में रखते हैं, ठीक है। आपके घर का बच्चा बिगड़े ना, खराब ना हो, इस वजह से मम्मी पापा मार पीट के रखते हैं कि वो लिमिट में रहे, बिगड़े ना, खराब ना हो, ठीक उसी प्रकार हमारा यहाँ पे कि ये खराब ना हो, इस वजह से इसको लिमिट में रखा जाता है। जो चीज़ लिमिट में रहती है वो खराब नहीं होती है।
अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो, ठीक है? तो अति नहीं होने देना है हमें। आ गया होगा समझ में आप तो एक लाइन से, कहते किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। अब देखिए 198 का हमारा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि रिड्यूस डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हम उसमें क्या रखते हैं, लिमिट में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मॉड्यूलेशन डेप्थ ऑफ 100% इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस में अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100% से भी ज्यादा कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? हमने अभी जस्ट डिस्कस भी किया, पिछली क्लास में बताया, बहुत अच्छे से समझाया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स में अगर 100% से ज्यादा हो जाए मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो क्या हो जाता है, हमारा डिस्टॉर्ट हो जाती है वैल्यू, और साथ ही साथ उसको क्या कहते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन। ये फिगर हमने फिर दिखाया ताकि आपको याद रहे कि ये क्या है हमारा ओवर मॉड्यूलेशन। अब इसमें देखो क्या ही है, ओवर मॉड्यूलेशन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा। इसमें कह रहा आयाम मॉड्यूलेशन प्रक्रिया में मॉड्यूलेशन की गहराई को 100% तक बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है, तो क्या प्रभाव होता है हमारा, हमने पहले डिस्कस किया उसको हम क्या कहते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन से अधिक हो रहा है। और हमने ये भी पढ़ा था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करियर सिग्नल, ये क्या है हमारा, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है एएम का, ठीक है, एफएम का भी ऐसी होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करियर सिग्नल क्या होता है हमारा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिखाता है। हम इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं, 0.5 यानी 50%, 1 यानी 100% और मोर देन 1 यानी 100% से अगर ज्यादा की बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन। होप इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि हम डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए ओवर मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं या फिर इसको लिमिट में रखते हैं, और रेंज क्या क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाउ द इमेज फ्रिक्वेंसी इज प्रिवेंटेड इन रेडियो रिसीवर सर्किट। हमने रेडियो रिसीवर सर्किट के कई सारे सर्किट देखे, जैसे कि टीआरएफ रेडियो रिसीवर, सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर, एफएम रेडियो रिसीवर देखा था हमने, और रिफ्लेक्शन रेडियो रिसीवर, इन चारों को हमने देख लिया। अब इधर देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, रेडियो रिसीवर सर्किट में छवि आवृत्ति को कैसे रोका जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इमेज फ्रिक्वेंसी होती क्या है, ये छवि आकृति होती क्या है, अनवांटेड किसी भी सिग्नल के, अनवांटेड सिग्नल को हम क्या कहते हैं, इमेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अनवांटेड जिसको हम नहीं चाहते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हमने अनवांटेड लिखा, इसका हिंदी नहीं लिखा है तो हम बोल रहे हैं, आप उसे समझिए, ठीक, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसको हम नहीं चाहते कि हमारे सिग्नल में आए। आपके जैसे हमारे मम्मी पापा कुछ दोस्तों से दूर रहने के लिए मना करते क्योंकि वो अनवांटेड लोग हैं हमारी लाइफ में जो हमें बिगाड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है, रेडियो में छवि आवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है। अब जो अनवांटेड सिग्नल हैं उनको कैसे रोक सकते हैं, हम फिल्टर लगा के रोक सकते हैं। जैसे मान लो आप जब चाय बनाते हो या चाय पीते हो तो उसमें जो चाय पत्ती होती है उसे छानते हो, फिल्टर लगाते हो, और अगर फिल्टर नहीं लगाओगे यानी वो छन्नी नहीं लगाओगे तो वो भी चाय पत्ती चली जाएगी, तो आप क्या पी पाओगे। तो यही काम होता है यहाँ पे भी कि जो भी कहीं पे भी अगर अनवांटेड की बात हो रही है, जिसको नहीं चाहा जा रहा, तो उसके लिए हम फिल्टर लगा देते हैं कि उस चीज को हटा दिया जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाईली सेलेक्टिव आरएफ एम्पलीफायर, हाईली सेलेक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो
आपने कहा फिल्टर मैम, तो यहाँ पे तो हाईली सिलेक्टिव आरएफ एम्पलीफायर है। अब इसके नाम से पता करो, हाईली सिलेक्टिव आरएफ एम्पलीफायर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव है, ऐसा एम्पलीफायर जो बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव किसके लिए, आरएफ फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव है। वो वही फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई करेगा जो जरूरी है, अनवांटेड सिग्नल को वो एम्पलीफाई नहीं करेगा। तो बहुत ही ज्यादा चूजी इंसान है और वो उसी को लेकर के अपना आगे काम कर रहा है। अब लो नॉइज ऑडियो एम्पलीफायर आपको पता होगा, लो नॉइज लिखा है, कम आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए हमारा लो नॉइज ऑडियो एम्पलीफायर यूज होता है। मोर आईएफ एम्पलीफायर यूज करने का कोई मतलब नहीं होता है कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके हम भला कैसे फिल्ट्रेशन या उसको बचा सकते हैं, अनवांटेड सिग्नल से बचाना है हमें तो कैसे बचा सकते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा सेलेक्टिव चीजें चूज करेंगे, ठीक है। एनवलप डिटेक्टर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, एनवलप डिटेक्टर डिमॉड्यूलेशन में यूज होता है, एफएम डिमॉड्यूलेशन में। तो ये एफएम की बात हो गई, ये आईएफ की बात हो गई, और ये रहा हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी और हाईली सेलेक्टिव। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। होप ये समझ में आ गया होगा और समझाने के तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन सामने दिखें, अब जैसे कुछ बच्चे इसको रट लेंगे क्योंकि उन्हें आंसर पता रहता है, वो फटाफट आंसर बताने लगते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इमेज फ्रिक्वेंसी है क्या, ठीक है। मान लो इमेज फ्रिक्वेंसी दिया और इस ऑप्शन को नहीं दिया तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए चीजें क्लियर करके चलो ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा हाईली सिलेक्टिव आरएफ एम्पलीफायर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना, चलिए देखते हैं। हाउ द ओवर मॉड्यूलेशन ऑफ करियर फ्रिक्वेंसी करियर सिग्नल इज प्रिवेंटेड बाय द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, प्रसारण स्टेशन द्वारा वाहक सिग्नल के ओवर मॉड्यूलेशन को कैसे रोका जा सकता है, ओवर मॉड्यूलेशन को कैसे रोका जा सकता है। अभी हमने ओवर मॉड्यूलेशन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी, अब ये पूछ रहा है अगर ओवर मॉड्यूलेशन हो रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यूज मैनुअल ऑडियो गेन कंट्रोल सर्किट का हम यूज करेंगे, किसका, AGC। अब आया है कुछ यार, यहाँ पे तो ऑडियो गेन कंट्रोल लिखा है मैम, इसलिए हमको समझ नहीं आता। AGC का हम उपयोग कर रहे थे, ऑडियो गेन कंट्रोल सर्किट का, और किस लिए यूज कर रहे थे, हमारा यहाँ पे सिग्नल में ओवर मॉड्यूलेशन से बचाने के लिए, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में ओवर मॉड्यूलेशन बचाने के लिए ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, यानी जो गेन होता है, गेन क्या होता है, हमारा आउटपुट अपॉन आउटपुट वैल्यू अपॉन इनपुट वैल्यू हमारा गेन कहलाती है। तो अगर ओवर गेन हो रहा है तो उससे बचाने के लिए हम ऑडियो गेन कंट्रोल सर्किट का उपयोग करेंगे। तो 201 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कट लोअर साइड बैंड नहीं होगा कि लोअर साइड बैंड में भी सिग्नल नहीं होती, लिमिट अपर साइड बैंड नहीं, लिमिटर सर्किट प्रोवाइडेड नहीं। तो हमारा इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने सिग्नल को रोक सकते हैं ओवर मॉड्यूलेशन से। खूब समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द AM ट्रांसमीटर आउटपुट इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू एक्सीड यूनिटी। आप देखो वही चीज है, दूसरी तरीके से पूछा, इसीलिए मैंने फिगर समझाया था ताकि अगर इसके पूछने का तरीका भी चेंज हो जाए तो भी आपको दिक्कत ना हो और ये इजिली आप पता कर सको। हो कह रहा है, बोल रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 से अधिक यानी 100% से अधिक की बात कर रहा है, होने पर AM ट्रांसमीटर आउटपुट पर क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव होता है जब हमारा ये वाला केस आता है जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है, हमारे सिग्नल में एरर आते हैं, ये एरर ही तो बता रहा है, ये हमारा एरर ही तो बता रहा है। जैसे आप बुरी संगति में रहेंगे तो आप भी बुरे चीजें सीखने लगेंगे, तो ये वही तो एरर हमारे अंदर भी हमारे जो सिस्टम में है, डिफॉल्ट तो कुछ और संस्कार दिए गए थे, जब संगति चेंज हुई थी हम चेंज होने लगे और इस वजह से उस हमारे में हमारे जो सिस्टम है उसमें एरर आने लगा। तो वही कुछ हमारा ये बता रहा है कि अगर ये कंडीशन हुआ कि 1 से ज्यादा हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स हुआ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM अगर 1 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, एरर होगा, डिस्टॉर्शन होगा, ये सब काम होगा।
तो इसमें देखिए आपका वीक सिग्नल ऐसा नहीं होता है, सिग्नल जा रहा है, मतलब जा रहा है अच्छा खासा, और नो सिग्नल आउटपुट ऐसा भी नहीं होता है। आउटपुट बढ़ेगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। आप यहां से भी देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से भी देख लिया हमने, बट हमने इसको अच्छे से पढ़ रखा है तो हम सॉल्व कर लिए कि एरर हमें मिलता है, गलत विरूपण का उत्पादन होता है, गलत हमें डाटा मिल सकती है क्योंकि यहाँ क्रॉस हो गया ना, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, एररनेस ठीक है, प्रोड्यूस एरर डिस्टॉर्शन, तो ये कार्य होता है हमारा इस कंडीशन में। होप आज मेरी जो स्पीड होगी वो भी स्लो होगी और अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है विच पिन इज मार्क्ड एज द मास्टर रीसेट फंक्शन इन माइक्रो कंट्रोलर IC8051। अब देखो यहाँ पे हमारा IC8051 के बाद बारे में बात कर रहा है, तो ये कौन सी आईसी हमारी? ये माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है। किसकी आईसी हमारी? माइक्रो कंट्रोलर की। अब कह रहा है कि कौन से पिन पे रीसेट हमारा होता है, उस पिन को बताओ। तो ये वाली जो पिन होती है हमारी रीसेट की होती है, ओके, ये वाली पिन और ये वाली पिन हमारी होती है VSS VCC, जिसको हम कहते हैं पावर देने की, ठीक, प्लस 5 वोल्ट DC, और ये हमारा ये भी पावर देने का होता है। ठीक है, और आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वाला बता दिया नहीं हमें, एड्रेस लैच। तो ये वाली जो पिन होती है हमारी पिन नंबर 30, उसका नाम ये होता है एड्रेस लैच इनेबल, ये भूल गए थे अभी। तो हमने देख लिया पिन नंबर 40 का काम क्या है, पिन नंबर 20 का काम क्या है, और 30 का काम क्या है, और 9 का काम क्या है। इसमें क्या पूछा है हमारा? पिन नंबर 9 का काम क्या है? तो पिन नंबर 9 का काम हमारा रीसेट होता है। जो भी सिग्नल हमारी दी गई, हाई सिग्नल दी गई है तो उसको लो करना, लो सिग्नल दी तो हाई करना, मतलब वापस से कुछ भी प्रोग्राम चल रहा है उसको रीसेट कर देना। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारे 8051 के फीचर्स के बारे में। देखिए रटना तो है ही, 8051 तो रटने वाली ही चीज़ है, आपको रटनी ही पड़ेगी। वैल्यूज़ हैं तो वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं हम कर सकते हैं। जहाँ ट्रिक करते हैं, जहाँ समझाने वाली चीज़ें होती हैं, हम आपको समझा देते हैं। होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा कुछ की फीचर्स जान लेते हैं जो बेसिक बेसिक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही जा सकते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि जैसे की फीचर है, प्रोग्राम मेमोरी ऑन चिप रोम 4 KB, कि हमारे 8051 की प्रोग्राम मेमोरी कितनी होती है, या ये पूछ सकता है हमारी 8051 की रोम की वैल्यू बताइए। तो रोम हमारा क्या होता है, कितना? 4 KB हम हट जाते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको काम आएगा। तो हमारा जो रोम है, जो प्रोग्राम की मेमोरी है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है रोम की, तो वो कितना होता है? 4 KB होता है। किसकी? 8051 की, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा है डाटा मेमोरी। डाटा मेमोरी कितनी होती है, इसको हम कहते हैं क्या? रैम। 8051 की रैम कितनी होती है? 128 bytes होते हैं, 128 bytes होते हैं। नेक्स्ट हमारा डाटा बस की बात कर रहा है, तो ये हमारा बाई डायरेक्शनल काम करता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल जो डाटा होती है, डेटा जो भी डेटा हम इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ना बाई डायरेक्शनल, मतलब आ भी जा सकता है और जा भी सकता है, आ भी सकता है और जा भी सकता है, ठीक। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये हमारा कितने का होता है? 8 bit का होता है। नेक्स्ट हमारा एड्रेस बस। अगर हम एड्रेस बस की बात करें, जो एड्रेस बस से क्या मतलब होता है? एड्रेस मतलब कि हम अपने घर रहते हैं, तो अगर हमसे कोई पूछेगा तुम कहाँ रहते हो, तो हम अपना एड्रेस बताएंगे। तो कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा अगर कहीं एग्जिट कर रहा है और उसके बारे में हमको बताना, तो उसके हम एड्रेस पे पहुंच जाएंगे, तो हमें वो डेटा मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस बस क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, जाने का होता है, आने का नहीं, ये इसलिए लिखा हुआ यूनिडायरेक्शनल। ये कितने बिट का होता है? 16 bit का, ठीक। ये डाटा आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आप देखते रहोगे याद हो जाएगा, एक दो बार देखोगे आराम से याद हो जाएगा। 2 16-bit टाइमर, दो टाइमर यूज होते हैं इसमें, 2 क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज होते हैं, ठीक, 2 टाइमर होते हैं। वो कितने बिट के होते हैं हमारे?
16 बिट के होते हैं। ओके, ये बहुत ही वैसी वैल्यू लिखी हुई है, मतलब कि ज्यादा शब्दों में नहीं लिखा है, बट ये आपको पूरा मतलब दे रहा है आपको समझने के लिए। ठीक, इनपुट आउटपुट पोर्ट कितने होते हैं? चार होते हैं, P0, P1, P2 और P3। P0, P1, P2 और P3 ये 8-8 बिट के हमारे होते हैं पोर्ट। ठीक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट हमारे चार होते हैं और 8-8 बिट का होता है। यूजर डिफाइंड फ्लैग, फ्लैग हमारे 128 होते हैं। फ्लैग जैसे मान लो प्लस के लिए फ्लैग हो गया, माइनस के लिए फ्लैग हो गया, रिजल्ट के लिए फ्लैग हो गया। ठीक है, तो वो 128 है। इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ 1 माइक्रोसेकंड विथ 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल। 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल के साथ इंस्ट्रक्शन जो साइकिल दी जाती है 1 माइक्रोसेकंड की दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपको जानना, जो हमने एक स्लाइड में आपके लिए ले आया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी जानना जरूरी है, आप सभी को पिन याद होने चाहिए। सारे पिन नहीं याद है, इट्स ओके, बट जो इंपॉर्टेंट है वो हम याद कर लेते हैं। अब याद कैसे करना है, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमें याद करना है कि पोर्ट कहां से कहां तक है। तो पोर्ट जीरो हमारा यहां से यहां तक है। ठीक है, फिर पोर्ट वन पे आते हैं, पोर्ट वन, फिर पोर्ट टू पे आते हैं, पोर्ट टू, फिर पोर्ट थ्री पे आते हैं, ये रहा हमारा पोर्ट थ्री, ये रहा हमारा पोर्ट थ्री। अब देखो सारे पोर्ट में 8-8 पिन है। ठीक, 8 पिन है एक पोर्ट में। ठीक है, तो कितने पिन हो जाएंगे पूरे टोटल? 8 पिन है एक पोर्ट में और टोटल 4 पोर्ट है, तो 8 चौके 32। 32 पिन के बारे में तो हमें याद हो गया इस तरह से। ठीक है, अब आगे की 40, टोटल 40 पिन होते हैं। टोटल कितने पिन होते हैं 8051 में? 40 पिन होते हैं। चलिए याद करते हैं, कैसे याद करते हैं। सबसे पहले आपको याद करना है 20 नंबर का ग्राउंड। 20 नंबर का ग्राउंड देखो, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया है, VSS पावर माइनस लिखेंगे, माइनस वोल्टेज दिया जाता है, यानी ग्राउंड कह सकते हैं, ना भूल गए। ठीक है, 20 नंबर ग्राउंड, 40 नंबर VCC। मेरे साथ याद करिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। 20 नंबर ग्राउंड कर देंगे, 40 नंबर VCC कर देंगे। अब 40 के नीचे जैसे उतरेंगे वो हो जाएगा हमारा पोर्ट जीरो। पोर्ट जीरो कहां से स्टार्ट होगा? पोर्ट जीरो का जीरो, पोर्ट जीरो का वन, पोर्ट जीरो का टू, पोर्ट जीरो का थ्री, इस तरह से याद करेंगे। और जीरो से सात तक होगा। अभी जीरो से सात तक 8 है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए हमारा ये 7 तक है। तो ये हमारा पहला पोर्ट हो जाएगा, ये पोर्ट जीरो है। और ये कौन सी वाली पोर्ट है? ये एड्रेस पोर्ट है। ठीक है, एड्रेस पोर्ट है, इसलिए AD लिखा हुआ है। ठीक, तो इतनी चीजें याद हो गई होंगी अभी, कि नीचे हमारा सबसे नीचे यहाँ पे हमारा ग्राउंड हो जाएगा 20 नंबर पे, सबसे ऊपर जाएंगे 40 नंबर हो गया, 40 नंबर हमारा VCC हो गया, उसके बाद हम आएंगे तो हमारा जीरो पोर्ट से स्टार्ट होगा। ठीक, जीरो पोर्ट में हमारा एड्रेस होगा, AD लिखा होगा, एड्रेस AD0, AD1, AD7 तक होगा। अगर पोर्ट की बात करेंगे तो पोर्ट जीरो से लेकर के जीरो, पोर्ट 0.0 से लेकर के पोर्ट 0.7 तक होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा पोर्ट आपको। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्ट वन के बारे में। अब पोर्ट जीरो के बारे में सुनेंगे तो पोर्ट वन के बारे में देखते हैं। अब जस्ट यहाँ पे हमने पोर्ट जीरो खत्म किया, अब इधर साइड आ जाओ। ठीक है, ये पिन आप खुद ही लिख लेना। जैसे मान लो कि जब आप ऐसे टाइम ये 8051 IC बनाओगे तो आपको जैसे पिन याद रहेगा कि यहाँ ऐसे रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा, तो ये वाली जो नंबरिंग होगी आप खुद ही कर लोगे बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अब पोर्ट वन की बात करते हैं। तो पोर्ट वन पे आइए, पोर्ट वन का जीरो पहले से ही स्टार्ट होगा। ठीक, जीरो से लेकर के 7 तक हमारा पोर्ट वन यहाँ पे रहेगा, पोर्ट वन। ठीक, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट है, ये भी हमारी इनपुट आउटपुट पोर्ट है। जितने भी पोर्ट है वो इनपुट आउटपुट डाटा के लिए होता है, बाकी हम जो एक्सटर्नल डाटा दे रहे हैं उसके लिए होता है। ठीक है, फिर नौवां अभी हमने बताई दिया आपको, रीसेट होता है। 8 तक पोर्ट हो जाएंगे, फिर नौवां आप याद कर लो, रीसेट। ठीक है, याद कर लिया, 8 तक पोर्ट, नौवां रीसेट। अब हम आते हैं पोर्ट 2 पे, VCC, फिर 0, फिर 1, फिर हम यहां जाएंगे 2, फिर 3। ठीक है, 2 VCC 0 1 2 3 ओके, तो यहाँ पे आते हैं, ये रहा हमारा पोर्ट 2। अब पोर्ट 2 हमको याद करने के लिए यहाँ से हम याद करेंगे। ठीक, 20 के बाद 21 यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो 21 से लेकर के 28 तक हम पोर्ट 2 याद करेंगे, और ये हमारी एड्रेस पोर्ट होती है।
जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है। ये यूनिडायरेक्शनल होती है पोर्ट 2.0 से लेकर के हमारा पोर्ट 2.7 तक, एड्रेस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये हमारी एड्रेस देखो 0, 1, 2, 3, 4, 7 तक है, फिर 8 से यहां से हमारा जाएगा 7 तक, यहाँ पे हमारा एड्रेस आया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब 9वां याद हो गया हमें, पोर्ट 1, 2, 3 तीनों याद हो गए, और 0 भी याद हो गया, 40 और 20 भी याद हो गया। अब हमें क्या याद करना है कि जो बचे हुए हैं वो कैसे याद करेंगे। याद रखो 18 और 19 पे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा रहता है, 18 और 19 में हमारा XTL1 XTL2 लगे हुए हैं, क्या है हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा हुआ है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के जस्ट ऊपर रीड और राइट होगा, ठीक है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हमने लगा दिया, 18-19 हमने याद कर लिया, 20 तो हमारा ग्राउंड था ही, तो 18-19 क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जस्ट ऊपर रीड और राइट इनेबल, ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा, ये दोनों रीड और राइट, इसे ये है तो पोर्ट 3 में, बट हमें और भी एक्सटर्नल जो काम करते हैं ये, वो भी हमें याद रखने होंगे कि जैसे ये डाटा को दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर करते हैं, बट हमें ये इनपुट आउटपुट डाटा है, पिन इनपुट आउटपुट पिन है, बट ये भी याद रखेंगे, तो रीड और राइट, ठीक है, दो चीज यहाँ पे हम याद रख लेंगे, रीड और राइट, ठीक है। ये कब इनेबल होंगे, जब जीरो होंगे, जब लो होंगे सिग्नल, ये बार लगा हुआ है ना, रीड बार राइट बार, ठीक है, इससे समझो। अब जैसे ही रीड राइट होगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ग्राउंड क्रिस्टल ऑक्सीलेटर रीड राइट फिर दो टाइमर, आए समझ, तो ये रहा हमारा दो टाइमर, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक टाइमर जीरो और टाइमर वन, आया समझ। ये इतने पोर्ट हमें आराम से याद हो गए होंगे, और ये जो इंट लिखा है एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट, स्पेलिंग गलत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक, ये इंटरप्ट है, यानी एक्सटर्नल, हमें जैसे मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको इंटरप्ट करके कोई और प्रोग्राम चलवाना है, तो ये वाले जो पिंस होंगे इसको हम ऑन करेंगे या फिर इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसको इनेबल करेंगे। तो 12-13 हो गया हमारा इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 1। अब TXD और RSD लिखा हुआ है, इसके जस्ट इंटरप्ट के ऊपर क्या होगा, ट्रांसमीटर और रिसीवर पिन, ट्रांसमिटिंग पिन और रिसीविंग पिन, ठीक है। अब याद कर देखो, ग्राउंड हो गया, फिर दो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हो गया, फिर हमारा रीड राइट हो गया, फिर हमारा टाइमर हो गया, टाइमर के ऊपर हमारा दो इंटरप्ट हो गया, और इंटरप्ट के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे हमारा RSD और TXD हो जाएगा, और उसके ऊपर हमने याद किया था रीसेट हाई, तो ये वाले पोर्ट हमें पूरे याद हो गए। अब इस पे आते हैं, 30 पिन हमने पिछले अभी स्लाइड पे बताया, एड्रेस लैच इनेबल होता है, ठीक है, ये एड्रेस लैच इनेबल होता है, या प्रोग्राम PROG लिखा है उस पर बार लगा हुआ, यानी प्रोग्राम लो पे वर्क करेगा, ठीक है। EA और VP P और PSEN हमारा बचा हुआ है, तो 31 और 29 को याद करना है। तो PSEN का मतलब होता है प्रोग्राम स्टोर इनेबल, और EA का मतलब होता है एक्सटर्नल एसिस इनपुट, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ये कौन सी पिन है हमारी, एक्सटर्नल एसिस इनपुट को हम ये लिखते हैं, जो कि 31 है। 30 पे तो हमें पता है, अभी हमने बताया कि 30 पे हमारा रहता है ALE, ठीक है, और 31 पे हमारा होता है EA नेबल एसिस, एक्सटर्नल एसिस इनपुट हो गया हमारा, और उसके नीचे हम आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ALE, ठीक, 30-31 हो गया, और 32 हम देखेंगे ये है प्रोग्राम स्टोर इनेबल,
अब आपको अगर मैम सर याद नहीं होंगे, याद होंगे, धीरे धीरे याद होंगे, आप जितनी बार डायग्राम बनाओगे उतनी चीजें याद हो जाती है। ब्लॉक डायग्राम से चीजें आसानी से याद होती है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से याद करने की कोशिश करना। पहले ग्राउंड और वीसीसी बना लेना, इसको याद कर लेना, फिर हम पहुंचेंगे पोर्ट जीरो, फिर पोर्ट वन, पोर्ट टू और पोर्ट थ्री। ये सब लिखने के बाद पिन नंबर लिख लेना, ठीक। जो बचेगा हमें पता है रीसेट हमारा 9 पे है, रीसेट हमारा 9 पे है। 9 के नीचे आते आर एस डी, फिर टी एस डी, फिर इंट जीरो, फिर इंट वन, फिर हम राइट, फिर रीड, फिर हमारा टाइमर जीरो, टाइमर वन, फिर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जीरो और वन, मतलब वन और टू, वन और टू, फिर हमारा ग्राउंड हो जाएगा। ये वाला तो पूरा पार्ट हो गया। इसी तरह हमारा इस पे आ जाएंगे हम, तो वीसीसी हमने लिख लिया। उसके बाद ये वाला तो इजी है, सब एड्रेस लाइन है, ये भी हमारी एड्रेस लाइन है। बीच के बचे हुए 3, अब ये 3 आप याद नहीं कर सकते, इतना ईजी तो है ये 3। 3 हमारा ई ए, जिसको हम कहेंगे वीपीपी, ठीक है, ई ए, एल ई और पी एस सी एन, ई ए, एल ई और पी एस सी एन, ऐसे अभी याद कर लो। फुल फॉर्म तो आप अलग याद कर ही लोगे, तो ये 3-4 बार अगर रटोगे तो ये खुद ही याद हो जाएंगे। तो होप ये आपको पिन डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पिन नंबर 9 हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है रीसेट कौन से पिन पे होता है, तो रीसेट हमारा पिन नंबर 9 पे होता है। तो ये वाला क्वेश्चन साथ ही आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कुछ बेसिक की फीचर्स और साथ ही साथ आपको पिन डायग्राम भी अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस मार्क एक्स। अब जो ये डिवाइस बनी हुई है, ये ब्लॉक डायग्राम जिसका बना है, ये क्या है। चलो हम दो डिवाइस आपके सामने लाते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर का और एक माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक। दोनों में ही एड्रेस बस है, डाटा बस है और कंट्रोल बस है। एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या बेसिक है एलिमेंट यूज, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रजिस्टर और काउंटर कंट्रोल यूनिट यूज हुआ है। जबकि हम माइक्रो कंट्रोलर में आएंगे तो इसमें देखो इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज हुए हैं, सीपीयू यूज हुआ है, काउंटर, टाइमर, रैम, रोम। रैम रोम के बारे में हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा, माइक्रो कंट्रोलर में यूज हो रहा है तो इनबिल्ट रहता है। और साथ ही साथ हमने काउंटर और टाइमर भी देखा, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में भी देखा। तो अगर ये ब्लॉक दिख जाए तो आप तो समझ ही जाओगे ये माइक्रो कंट्रोलर का है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या आपको यहाँ काउंटर दिख रहा है, हाँ जी मैम यहाँ दिख रहा है। क्या आपको यहाँ टाइमर दिख रहा है, हाँ जी मैम दिख रहा है। इनपुट आउटपुट पोर्ट दिख रहे हैं, हाँ जी मैम यहाँ दिख रहा है। और रैम रोम भी हमारा दिख रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ये डायग्राम है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर का डायग्राम है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 204 का। क्या है ये हमारा, किस चीज का है, माइक्रो कंट्रोलर का है। अब इसमें कंप्यूटर का आपको ब्लॉक डायग्राम क्या समझा, कंप्यूटर बना रहता है, माउस कीबोर्ड रहता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का हमने समझा दिया, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का एक सर्किट होता है, वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा माइक्रो प्रोसेसर और ये रहा माइक्रो कंट्रोलर। बहुत ईजी है आपको समझना, इसलिए एक साथ ही ये डायग्राम ले आए। होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच सर्किट यूजेस माइक्रो कंट्रोलर। अब कौन सा सर्किट है जो माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है, तो हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर दोनों का ही उपयोग होता है। फास्टेस्ट आउटपुट के लिए हमें अपना टाइम बचाना है और ये कम समय में ज्यादा काम करना है, और चिप भी छोटी होनी चाहिए, हमारा टाइम भी बचना चाहिए, पावर भी कम लेनी चाहिए, तो इन सब का जो वो है वो माइक्रो कंट्रोलर करता है। तो ये कहाँ यूज होता है, हमारा एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। कहाँ यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम में। मल्टीमीटर नहीं यूज होगा, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम अंतर स्थापित प्रणाली जो इसके अंदर इनबिल्ट होती है, इसके अंदर ही हमारा होता है, तो ये एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज डेवलप्ड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के जो भी ड्रॉबैक है, जो भी जैसे टाइमर नहीं था उसमें, काउंटर नहीं था, ठीक, इस टाइप के ड्रॉबैक या खामी को दूर करने के लिए कौन सा हम उपयोग कर रहे हैं, तो कौन सा उपयोग कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर का इजाद हुआ। माइक्रो प्रोसेसर की कमियों को पूरा करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को इजाद हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 206 का। आईजीबीटी, जेफेट और मॉसफेट आपको पता होगा कि ये तीनों ट्रांजिस्टर के कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। जंक्शन फिलिपेंट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फिलिपेंट ट्रांजिस्टर और आईजीबीटी हमारी इंडिकेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है।
इंसुलेटेड गेट, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड द एब्रीविएशन ऑफ CISC, इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक, एब्रीविएशन जब भी लिखा हो मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, उसका फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जटिल निर्देश सेट कंप्यूटर, CISC का फुल फॉर्म हमारा होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं क्योंकि आपको फुल फॉर्म बताना था, फुल फॉर्म हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कनेक्टेड इन पिन नंबर 18 19। अभी हमने आपको बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया कि 8051 में 18 और 19 पे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगे होते हैं, कि क्या ये सही जवाब होगा? क्रिस्टल लिखा हुआ है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगे होते हैं हमारे 18 और 19 पे। ठीक है, तो हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हो जाएगा आंसर। सेंसर का हमने कहीं नाम नहीं लिया था, माइक्रोकूलर में रजिस्टर का नाम नहीं लिया था, डीएल ड्राइवर का नाम नहीं लिया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 208 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो नेक्स्ट है, हाउ मेनी बिट्स आर नंबर फ्रॉम 00H टू 7FH फॉर जनरल पर्पज रजिस्टर। अब जनरल पर्पज रजिस्टर की बात कर रहा है और बोल रहा है कि इसमें लोकेशन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो 00H से लेकर के 7FH तक की बात कर रहा है, ये कितने बिट का होता है? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए, दो पार्ट होते हैं, पार्ट दो होते हैं, पहला और पार्ट टू होता है माइक्रो कंट्रोलर की अगर बात करें हम तो। एक तो होता है हमारा 00H से 7FH तक, और दूसरा हमारा होता है जो जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, यानी स्पेशल पर्पज रजिस्टर और जनरल पर्पज रजिस्टर। तो ये हमारा कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। देखो अब ये डाटा तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें क्या समझाना है आपको, ये याद करना पड़ेगा ये कितने बिट का है हमारा, तो 128 बिट का है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये हमारा कितने का है? 128 बिट का है। होप 209 का समझ में आ गया होगा। और ये समझते हैं, विच इंस्ट्रक्शन सेट द अक्युमुलेटर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आर, अक्युमुलेटर कौन सा निर्देश सेट संचय विशिष्ट निर्देश सामूहिक है? अक्युमुलेटर होता क्या है? अक्युमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना, क्या करना? ठीक है, अक्युमुलेट मतलब स्टोर करना है, इकट्ठा करना। हम पहले अभी इसका मतलब देख रहे हैं। देखो रटना तो है ही, बट हम जो चीज समझा सकते हैं आपको वो चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टोर करना या इकट्ठा करना होता है। अब इसमें क्या होता है, जो भी रिजल्ट होते हैं, जो भी जैसे मान लो कोई भी हमने सिग्नल दिए, कोई भी हमने वैल्यू दी, इसको हम स्टोर कर रहे हैं, तो उसका काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करना, डाटा को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? एक्युमुलेटर करता है। जैसे मूव ए फ्रॉम रजिस्टर दिस टू रजिस्टर दिस, इसका एक प्रोग्राम होता है, माइक्रोकंट्रोलर का प्रोग्राम लिखा जाता है, इसी टाइप का होता है। तो अगर बोल रहा है कि डाटा को यहाँ से यहाँ लेकर के ट्रांसफर करना, तो किसका काम होता है? अक्युमुलेटर का काम होता है। तो क्या काम होता है यहाँ पे? डाटा ट्रांसफर का काम होता है, डेटा हमारा ट्रांसफर करता है। तो 210 का हमारा आंसर हो जाएगा डेटा ट्रांसफर। और अगर यहाँ पे ये भी होता है कि स्टोर करता है वैल्यूज को, तो यहाँ पे हमारे स्टोर वैल्यूज भी बिल्कुल सही जवाब होता। तो अक्युमुलेटर का काम करना, अक्युमुलेट करना, स्टोर करना चीजों को, यानी कि जो इस पे वैल्यू दी जा रही है, जो भी एड्रेस दी जा रही है, ये हमारा स्टोर करता है और डेटा को हमारा ट्रांसफर करता है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।